जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों इस समय क्राइम चरम सीमा पर है, सारी हदें पार हो चुकी हैं, लेकिन जिस परिवार से किसी की मौत होती है उस परिवार का क्या हाल होता होगा सोचने वाली बात है। 4 अगस्त को नरेनी इंडियन बैंक के कैशियर अभिषेक चौधरी की फांसी लगने से मौत का मामला एक सनसनीखेज बन गया, लेकिन परिवार इस घटना को यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो वहीं लोगों द्वारा भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या आप भी सुनना और जानना चाहेंगे इस घटना के पीछे की कहानी? तो आइए सुनते हैं। आपके पास जब सुबह खबर आई है तो किसने दी थी खबर? उसके बैंक ब्रांच मैनेजर ने उसको कॉल किया था। तुषार यादव नाम है उसका। और उस दिन कॉल करने के बाद वो फिर एक भी पल के लिए ना ही मेरे घर वालों के साथ था, ना ही उसकी बॉडी के साथ था, ना स्पॉट पे था, बिल्कुल भी नहीं। बैंक का कोई कर्मचारी भी साथ नहीं दिया हमारा, ना आया वहाँ पे, ना ही मकान मालिक साथ आया। मतलब मेरे परिवार वाले वहाँ बिल्कुल अकेले थे, अनजान शहर, अनजान सब कुछ। और ऐसा हादसा हो गया था उस दिन हमारे साथ, किसी ने भी कोई मदद नहीं की। कवरेज के दौरान जासूसी में मृतक के परिवार ने बताया कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे थे उनके बेटे के कमरे का एक एक सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा था, यहां तक कि कमरे का बल्ब भी निकला हुआ था। उन्होंने उसी रात अपने बेटे से बात भी की थी जिस रात की यह घटना है, और बातचीत में ऐसा उनको कुछ समझ में नहीं आया कि उनका बेटा किसी परेशानी में है, इसलिए उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस इसमें कोई मदद नहीं कर रही, उल्टे उन पर दबाव बना रही है केस बंद होने का। परिवार ने बताया कि उनके दामाद को बैंक द्वारा खबर दी गई है और दामाद से बेटे की खबर परिवार को मिली है, तब जाकर वह यहां आए हैं। इसलिए उनके मन में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बैंक और पुलिस ने खुद में क्यों उनको इस मामले की खबर नहीं दी। दोस्तों कवरेज के दौरान जासूसी में मृतक के पिता ने बताया कि जिस दिन उनके बेटे की मौत हुई है उसी दिन इंडियन बैंक का मैनेजर ट्रांसफ़र करवा के चला गया है। इसके बाद वहां के एक और कार्यकर्ता को सस्पेंड कर दिया है, यहां तक कि जो बैंक में खाना बनाने वाला था और कुछ बैंक का काम भी देखता था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरह से उनके बेटे की बॉडी बाथरूम में टंगी हुई थी उससे उनको साफ नज़र आता है कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस मदद तो कर ही नहीं रही, उल्टे उन पर केस बंद करने का दबाव बना रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई है उस तरह से कड़ी जांच और कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले। नरेनी कस्बे के लोगों द्वारा भी बहुत कानाफूसी चल रही है, कई तरह के सवाल हो रहे हैं। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कैशियर एक अच्छा इंसान था, नहीं लगता था कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। लोगों ने बताया कि जब सुबह दूध वाला वहाँ पर दूध देने के लिए आया है तो देखा गया है कि और जो किराएदार रहते थे उस मकान में सबकी बाहर से कुंडियाँ लगी हुई थी। वहाँ पर घर में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है जहाँ पर कैशियर रहता था, लेकिन उस कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। जबकि अगर सरकारी जगहों पे CCTV कैमरे लगे हों और ख़राब हो जाएं तो उसमें प्रशासन या सरकार की लापरवाही कही जा सकती है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत घरों का CCTV कैमरा खराब होना एक आश्चर्यजनक बात है। लोगों के मन में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार मांग कर रहा है कि CBI जांच हो जिसमें खुलासा हो जाएगा और कण कण का प्रूफ भी मिल जाएगा कि आखिरकार उसकी मौत हुई कैसे। नरेनी SO मनोज कुमार का कहना है कि इस मामले की उनको कोई जानकारी नहीं है। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन उन्होंने पंचनामा भरा के भेज दिया था, आगे
बैंक ही बता सकता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि बैंक द्वारा बताया जा रहा है कि बैंक में 2,30,00,000 का घोटाला हुआ है उसी कैशियर द्वारा। बैंक द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि उस कैशियर ने 80,00,000 रुपए तो अपने नौकर के खाते में डालकर निकाल लिए थे, और जो लोग पैसा जमा करने आते थे, पैसा देते थे, स्लिप देते थे, उनका पैसा भी उनके खातों में नहीं जाता था, बल्कि लैपटॉप की एक बटन दबाने के बाद कैशियर के किसी अलग खाते में जाता था, जिसको कैशियर खुद में इस्तेमाल करता था। और जब कैशियर को ये बात पता चली कि अब बैंक का पैसा जो घोटाला हुआ है वह उसको जमा करना पड़ेगा, उसी सदमे में आकर उसने आत्महत्या कर ली है। नरैनी इंडियन बैंक में जाँच कर रहे रंजीत कुमार हमीरपुर ब्रांच में सीनियर मैनेजर हैं। उनका कहना है कि उनको यहाँ की जांच मिली है, एक हफ्ते से वह जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच में क्या निकल कर आया है ये गोपनीय है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पर इस घटना के बाद बैंक से 3-3 लोगों का ट्रांसफर और सस्पेंडिंग का मामला सामने आता है, इस केस में अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई, जबकि बैंक में इतना बड़ा घोटाला निकल कर आया है, तो आखिरकार इसकी निष्पक्ष जांच कब तक होगी? क्यों पुलिस चुप बैठी है? आखिरकार इस जांच की गुत्थी कब तक चलेगी, और क्या ये गुत्थी सुलझेगी भी, या सिर्फ ये गुत्थी कागजों में समेट कर रह जाएगी और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता रहेगा। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।